स्टैंडर्ड एलएक्सआई वीएक्सआई वीएक्सआई प्लस टोटल चार वेरिएंट्स आपको यहां पर ऑफर किए जाएंगे। बट अभी आप देख रहे हो उसके वीएक्सआई वेरिएंट को। अगर इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो सिर्फ आपको यहां पर मिलता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो आपको निकाल के देता है 65 bhp की पावर 89 nm का टॉर्क। माइलेज की बात की जाए तो 20 से 22 कंपनी क्लेम करती है, बाकी रियल लाइफ में क्या निकालेगी ये आपकी ड्राइविंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पर की ऑफर की गई है, जो फिस्कल है दोनों आपको फिस्कल की ऑफर की जाएंगी जिसमें आपको मिल जाता है सुजुकी का लोगो। और अगर आप इसके ऊपर जाएंगे वीएक्सआई प्लस में तो आपको सेंटर लॉकिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा इस कार में। तो भाई ये इसकी पूरी साइड प्रोफाइल। वीएक्सआई में आपको स्टीलियम ही ऑफर किए जाते हैं, बट आपको इसमें मिल जाते हैं व्हील कैप्स। अगर आप इसके नीचे जाएंगे स्टैंडर्ड में तो आपको सिर्फ स्टीलियम ऑफर जाते हैं, व्हील कैप आपको नहीं मिलता है। अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो इस कार में आपको 3.5 मीटर की लेंथ, 1.4 मीटर की विथ और 1.5 मीटर की मिल जाती है आपको हाइट। व्हील बेस की बात की जाए तो इस कार में आपको दिया गया है 2380 mm का व्हील बेस, जिससे आपको स्पेस जो काफी ठीक ठाक मिल जाता है इसके केबिन में। बाकी जो डोर्स पे आप ये बेडिंग वगैरह देख रहे हैं ये सब एसेसरीज का पार्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके व्हील प्रोफाइल की, तो ये कुछ आपको स्टीलियम ऑफर किए जाएंगे इस वीएक्सआई वेरिएंट में। व्हील कैप के साथ है, सेंटर में आपको मिल जाता है यहाँ पर काफी बड़ा सा लोगो और ये सिल्वर फिनिश में आपको मिलते हैं। और ये है फ्रंट का सस्पेंशन ड्राइवर। बात की जाए टायर प्रोफाइल की, तो ये है जेके के टायर्स। टायर प्रोफाइल एक बार जरा देख लेते हैं, जो यहाँ पर आपको दिया गया 145/80R13 इंच के आपको स्टीलियम ऑफर किए जा रहे हैं इस वेरिएंट में। ब्रेकिंग की बात की जाए तो आगे आपको मिलते हैं डिस्क और पीछे आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक्स। बात करते हैं इसके पिलर्स की, तो तीनों पिलर जो है ए पिलर बी पिलर और पीछे का पिलर सारे आपको मिलते हैं बॉडी कलर पे। और ये जो डोर वाइजर आप देख रहे हैं ये सब एसेसरीज का पार्ट है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये है इसका पूरा बूट ओपनिंग एरिया और ये है इसका पूरा टेलगेट। स्पेस तो काफी अच्छा है, आराम से आप दो बैग बड़े बड़े ट्रॉली बैग आराम से यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे आप आराम से रख के लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेयर व्हील की बात की जाए तो एक बार जरा वो भी देख लेते हैं, तो भाई नीचे आपको दिया गया है स्पेयर व्हील और टूल किट के साथ है। कोई भी लैंप आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, ना आपको दी गई है पार्सल ट्रे। अगर आप चाहें तो एसेसरीज में पार्सल ट्रे भी लगवा सकते हैं। और ये जो सीट है इनको आप 100% फोल्ड कर सकते हैं, जिसका लीवर है ये, इसको जब ऊपर की तरफ खींचेंगे जो ये सीट है आराम से फोल्ड हो जाती है। और ये है आगे का पूरा कैबिन। डोर पैड तो आपको मैंने पहले दिखा दिया था, पूरा ब्लैक में आपको दिया गया है। और ये जो आप ऊपर लीवर देख रहे हैं इससे आप एडजस्ट कर पाएंगे साइड मिरर को, बट फोल्ड आपको मैन्युअली करना पड़ता है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक नीचे आपको दिया गया, बॉटल होल्डर के साथ काफी सारा स्टोरेज स्पीकर की प्लेसमेंट। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैबिन की, तो ये है पूरा सिटिंग पोजिशन, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस। अभी बैठ के प्रॉपर चेक करते हैं। आगे वाले जो हेडरेस्ट है ये फिक्स मिलते हैं आपको, आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बट इनका जो साइज है वो काफी बड़ा से यहाँ पर रखा गया है। और ये है पूरा सीट का डिजाइन, सीट का डिजाइन तो नहीं कह सकते बिकॉज सीट कवर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह के लगवा सकते हैं, ये एज एसेसरीज यहाँ पर लगाए गए हैं। नीचे आपको मिलता है बूट ओपनर, फ्यूल कैप ओपनर, मैनुअल के ABC पेडल्स और यहाँ पर मिलता है आपको हेडलाइट डिमलर। और ये है फ्रंट डैशबोर्ड का पूरा व्यू। अब बैठते हैं इस कार के अंदर, बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। सबसे पहले डोर्स को करते हैं बंद और ये सीट को हल्का सा पीछे करते हैं। तो भाई ये है पूरा फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू। और ये इस कार का क्लस्टर जो आपको दिया गया डिजिटल, जो ऊपर देख सकते हैं। और नीचे मिलती है आपको छोटी सी MID, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चेक लाइट्स। और MID को कंट्रोल आप इस लीवर से कर पाएंगे, इसमें आपको ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज माइलेज काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एवरेज की बात की जाए तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है 23 के आसपास, तो ये 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो आपको के सीरीज का मिलता है, तो ये माइलेज काफी अच्छी निकालता है, जिस वजह से काफी ज्यादा डिमांड में रहती है ये कार। स्टीयरिंग की बात की जाए तो आपको मिलता है पूरा ब्लैक में, राउंड शेप में है, सेंटर में काफी बड़ा सा लोगो है। एयरबैग्स की बात की जाए तो एक दो एयरबैग्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे इस कार में। और ये जो आप पूरा कवर वगैरह देख रहे हैं स्टिचिंग काफी अच्छी है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। स्टीयरिंग के पीछे वाइपर के कंट्रोल्स और ये है हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। तो ये तो बात होगी ओवरऑल स्टीयरिंग की। अब आ जाते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। ऊपर आपको मिलते हैं दो AC के वेंट्स और ये है इसका 2.9 का ऑडियो सिस्टम, जिसमें आपको ब्लूटूथ ऑक्स रेडियो की दी गई है कनेक्टिविटी। और यहाँ पर आपको मिलते हैं पॉइंट्स USB एंड ऑक्स के, आराम से आप इसको यूज कर पाएंगे। स्पीकर्स की जो प्लेसमेंट है वो आपको दी गई है 4, 1, 2, बाकी पीछे मिल जाते हैं आपको 2। यहाँ से आप पूरा इसको मैन्युअली एडजस्ट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की बात की जाए तो सेंटर में आपको दिया गया है सेलेक्ट का बटन, टिक टॉक। और ये है फ्रंट और इन लोग के कंट्रोल जो आपको मिलते हैं डैशबोर्ड पे, ये है राइट वाला, ये है लेफ्ट वाला। नीचे आपको मिलते हैं AC के सारे कंट्रोल जो आपको मिलते हैं मैनुअल में। 12 वॉट का सॉकेट है, 2 मिलते हैं आपको कप होल्डर्स, थोड़ा सा स्टोरेज। अभी आप देख रहे हो इसके 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन को और ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टोरेज और ये है सामने का पूरा डैशबोर्ड।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल कार। सो मारुति ने एक ऐसी कार बनाई है जो हर एक मिडिल क्लास आदमी खरीद सकता है। एंड ऑल्टो K10 में एक के सीरीज़ का इंजन आता है, दैट इज़ अराउंड 1000 cc इंजन, दैट इज़ 998। और इसमें टायर्स भी 13 इंच के मिल जाते हैं। फ्यूल कैपेसिटी आपको मिलती है इसमें अराउंड 26 लीटर्स की। और अगर आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, जो कि ठीक ठाक है इंडियन रोड के हिसाब से। नॉट टू बैड, नॉट सो गुड। बट यस, ये कार ने एक ऐसे रेवोल्यूशन लाई थी जिसके बाद हर एक घर वाला कार लेने की सोच सकता था। कार में बहुत कुछ है। आगे आपको दो आगे सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर से कार ओके है, नॉट वेरी लग्जरियस। बट या सिटी राइड के लिए ऑल्टो से ज़्यादा बेटर कोई कार नहीं है, बिकॉज कंपनी तो क्लेम करती है फॉर द एवरेज ऑफ 22, बट पीपल आर गेटिंग एवरेज ऑफ 24 ऑल्सो। सो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कैपेसिटी के हिसाब से कि आप कैसे गाड़ी चलाते हैं। अदरवाइज लेटर ऑन ऑल्टो के साथ एक पुराना एक और कॉम्बिनेशन रहा है मारुति 800 का, तो अभी आजकल ऑल्टो 800 भी निकलने लगी है, जो भी लोग पसंद कर रहे हैं और दिखती भी है मार्केट में। एटलीस्ट फॉर अ सिंगल ड्राइवर दिस इज़ अ वेरी नाइस कार। और मारुति, जैसा आपको पता है, इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव, सर्विसिंग से लेके स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग बहुत ही चीप रहते हैं मारुति में। दैट इज़ वाई इंडियन मार्केट में वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड इज़ मारुति। और मारुति आपको सब रेंज प्रोवाइड करता है, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑल्टो से लेके एकदम लग्जरियस सेडान प्लस SUV, ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड विद मारुति। तो अगर मारुति लवर है तो उनको हर ऑप्शन मारुति में मिल जाएंगे, आपको अलग अलग कुछ दूसरे ब्रांड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑल्टो के आप बारे में क्या सोचते हैं? स्मॉल फैमिली जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, उनके लिए ऑल्टो वन ऑफ द बेस्ट कार है फॉर द सिटी ड्राइविंग। सो फ्रॉम माई साइड, अगर आप जस्ट सिटी में चला रहे हैं और बहुत ही बेसिक ड्राइविंग है आपका, नॉट वेरी फार, नॉट हाईवे यूजिंग, तो आप डेफिनेटली ऑल्टो ले सकते हैं एंड इट गिव्स यू ऑल दी थिंग्स जो एक बेसिक कार की नेसेसिटी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। Until we meet with next video, keep watching.